पिपरिया, लॉकडाउन के बावजूद फर्राटे से दौड़ रही कार रात्रि में 3 गोवंश की मौत का कारण बनी। इस भीषण टक्कर में कार का भी भारी नुकसान हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, कार बहुत स्पीड में चल रही थी। टक्कर मारने वाली गाड़ी IBS रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP05CA7293 है, जो मनोहर दुदानी के नाम पर रजिस्टर्ड है। वही सवाल उठता है कि लॉकडाउन के चलते कार को जाने आने की अनुमति किसने दी, कैसे दी और किसके नाम पर हुई, और एक्सीडेंट के समय कार चालक कौन था। कार के कांच पर अनुमति पत्रक भी नहीं लगा हुआ था। इस भीषण हादसे में कार चालक को भी आई चोट का इलाज, गुप्त रूप से कहां पर चल रहा। पुलिस तुरंत संज्ञान लेने में लेट लतीफी क्यों कर रही है। रसूख के चलते गोवंश को अवैध बताकर गोवंश मालिक का भी मुंह बंद कर दिया जाएगा। वही पुलिस प्रशासन कुछ छुपाने का इंतजाम तो नहीं कर रही। बताया जाता है कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी। वही इस संबंध में पुलिस द्वारा वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया है, मगर वाहन चालक के नाम का उल्लेख FIR में नहीं। वही इसमें एक व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि यह कार राइस मिल संचालक महेश्वर मनोहर दुदानी की है। वही इसे उम्मीद दुदानी चला रहा था। यह मामला नगर के हाई प्रोफाइल परिवार से संबंधित है। सतीश कुमार अंधमान, स्टेशन रोड थाना प्रभारी, का कहना है कि कार को जब्त कर लिया गया है। कार चालक के खिलाफ 279-429 धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। परसों रात में 12:30 बजे ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कोई सफ़ेद कार है, उसने एक्सीडेंट किया है, जिससे 3 गाय घायल होकर उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल उस सूचना पर SI नागले रविश और थाना के स्टाफ को भेजा गया, जहां पर प्रथम दृष्टि यह पाया गया कि एक सफ़ेद कार के चालक द्वारा अपने वाहन को तेज लापरवाही पूर्वक चलाते उनके द्वारा एक्सीडेंट साबित किया गया था। इस आधार पर आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध धारा 429 और 279 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। अब विवेचना के दौरान जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मालिक की लड़की का नाम आ रहा है सर, जो वायरल वीडियो में सर फैक्ट्री मालिक के लड़के का नाम आ रहा है, क्या है सर मामला? यदि वायरल वीडियो में फैक्ट्री मालिक का लड़के का नाम आ रहा है, अभी वाहन मालिक को 133 का नोटिस दिया जाएगा। यदि उसमें उस लड़की के नाम की पुष्टि होती तो उसके विरुद्ध भी इसमें अपराध में उसको शुमार किया जाएगा। पिपरिया से खबर भारतवर्ष के लिए नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।